नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्सियम पर और मैं राज आर्यन आपका स्वागत कर रहा हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म पर। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था डैम्प्ड ऑसिलेशन के ऊपर, कंप्लीट एनालिसिस पढ़ा था, एक एक चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया था। आज उसके ऊपर कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सीखते हैं, अच्छे अच्छे मतलब सही में अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सीखेंगे, ठीक है। तो पहले ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डैम्प्ड ऑसिलेशन में सीखा है, या फिर जो नए हैं इस वीडियो के ऊपर। सबसे पहला काम यही करो कि भाई पहले पिछला वाला वीडियो पूरा देख लो, नोट्स बना लो, एक एक चीज़ के बारे में जान लो, तभी ये पूरा कंप्लीट समझ में भी आएगा। और जो एकदम जिद्दी ही हो कि हमको नए सीखना है, एकदम न्यूमेरिकल थोड़ा सा बस 5 मिनट का ओवरव्यू देखते हैं क्या कर लेते हो, ठीक है। मतलब करो यार, पीछे का पहले वीडियो 1 घंटे का लगभग है वीडियो, वो देख लो, फिर इस पर आ जाओ, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है। और एकदम हॉट टॉपिक है, इस पर से सारे हर मतलब इवन 18 में क्वेश्चन आ रहे हैं, 19 में आए हैं, 20 में आए हैं, हर साल डैम्प्ड ऑसिलेशन क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है आज के समय में, ठीक है। जे मेन में जे एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं पहले ओवरव्यू सीखते हैं क्या क्या सीखे थे या फिर क्या क्या है इस कहानी में। तो सिंपल सा चीज़ है, सपोज करते हैं कि अभी तक हमारे पास कोई भी डैम्प्ड कोई भी ऑसिलेटर है या फिर SHM हो रहा है किसी सिस्टम का। तो अगर सिस्टम का ऑसिलेशन हो रहा है और हमने इस सिस्टम को बाहर से कहीं से भी एक ड्रैग कैसे विस्कस मीडियम में रख दिया, जहाँ से कि एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसिंग फोर्स लग रहा है जो इसका मोशन का विरोध कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक नया फोर्स लग रहा है, इसको हम कहेंगे ड्रैग फोर्स, जिसका वैल्यू हो जाएगा -BV। अब ये बोलोगे BV कहाँ से लेके आए, भाई स्टोक फार्मूला पढ़े हम लोग सब, स्टोक्स फार्मूला से हम लेकर के आए थे ये चीज़। स्टोक्स फार्मूला क्या था, F बराबर ड्रैग फोर्स क्या था, 6 pi eta r × V वेलोसिटी, है ना। तो ये BV दिखा, तो ये BV है, तो B हमारा ये डैम्पिंग फोर्स है, डैम्पिंग कॉन्स्टेंट है, क्या बोलते इसको, डैम्पिंग कॉन्स्टेंट ये है हमारा। और यहाँ पर तो KX लग ही रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ से सीखा कि भाई जो फोर्स लग रहा है F1 और F2 दोनों का, दोनों मिल करके MA कर लगवा रहा होगा इसमें, तो F1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में KX, BV हो जाएगा ये हमारा सेकेंड फोर्स, इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो MA हो जाएगा, प्लस में BV हो जाएगा, प्लस में KX हो जाएगा, इसको इज इक्वल टू 0 लिख देंगे यहाँ से। तो M हो गया यहाँ से, एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं d²x/dt का स्क्वायर प्लस में B, और वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx/dt और प्लस में K को यही लिख सकते हैं इक्वल टू 0, ठीक है। और ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए, इसी बन गया डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमको x का वैल्यू जब मिला हमको, तो x का वैल्यू क्या मिला हमको, a₀ e²-bt/2m sin ω·t + 5 मिल गया था, ठीक है। और यहाँ से ओमेगा डैश का वैल्यू भी क्या मिला हमको, √ω²-k²। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जानते हैं k/m होता है, और k का वैल्यू होता था b/2m² हो जाएगा, ये हमारा डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलेंगे, इसको डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आएगा एंगल, जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो हो जाएगा हमारे पास 1/2π√ यही चीज़ k/m − b/2m² एम्पलीट्यूड जो है वो भी किसी टाइम पर, एम्पलीट्यूड इज द फंक्शन ऑफ टाइम, जो आ रहा है वो आ रहा है a₀ e²-bt/2m आया था, देख लो यही चीज़ a₀ e²-bt/2m, ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड किसी भी समय पर। एनर्जी किसी भी समय पर क्या आ जाएगा, e₀ e²-bt/m आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं ½ k a₀² e²-bt/m के बराबर। एक और चीज़ हम लोगों ने सीखा था कि टाइम एवरेज जो आएगा, टाइम पीरियड जो इसका एवरेज लाइफ ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के लिए क्या आ जाएगा, ln₂/b/2m, जो ये b/2m है उसे सिर्फ डिवाइड करना था, ये किसके लिए था, एम्पलीट्यूड के लिए, है ना, हाफ लाइफ ऑफ एम्पलीट्यूड।
अगर हम यहाँ से कहें कि एवरेज लाइफ ऑफ एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, तो 1/b/2m आ जाएगा। तो ये क्या है हमारा एवरेज लाइफ ऑफ एम्पलीट्यूड, ये आ गया था। और उसके आगे हम लोगों ने सीखा था एनर्जी का हाफ लाइफ, है ना। तो एनर्जी का हाफ लाइफ क्या था, T इक्वल टू ln2/b/m बना था, है ना। इसका जो मल्टीप्लाइड टर्म है ना, तो माइनस बी अपॉन एम, तो बी अपॉन एम से डिवाइड हुआ था। तो ये क्या बना, हाफ लाइफ ऑफ एनर्जी और टाउ, टाउ जो है इसका एवरेज लाइफ जो है उसको हम कह देंगे बी बाय एम, है ना। ये हो गया इसका एवरेज लाइफ ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये इतना सारा फॉर्मूला है जिसको कि याद रखना है। अभी तक सिर्फ डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में बात की है, फोर्स्ड ऑसिलेशन का अगला वीडियो आएगा इसके आगे, ठीक है। तो पहले तो इस चीज़ को कॉपी कर लो, अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो पहले पीछे का वीडियो देख लो, और जिनको समझ में आ चुका है पीछे का वीडियो वो सारे इन लोगों ने कॉपी कर ही लिए होंगे, तभी जा कर के हम आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 पे, ठीक है। ओके, कॉपी कर लो, पहले नोट बना लो शॉर्ट छोटा सा, तभी आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल, सवाल उम्मीद करते देख लिए होंगे, है ना। तो क्या क्या रहा है सवाल, ये सवाल कह रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेटर डिक्रीजेस टू 0.9 टाइम्स इट्स ओरिजिनल मैग्नीट्यूड इन 5 सेकंड्स, यानी कि जब समय ज़ीरो है उस टाइम पर एम्पलीट्यूड कितना है, ए नॉट है। जब समय 5 सेकंड हो जाता है तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो 0.9 टाइम्स रह जाता है, ठीक है, 0.9 टाइम्स ऑफ ए नॉट हो जाता है। और कहते हैं इन अनदर 10 सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड के बाद अनदर 10 सेकेंड, मतलब कितना हो गया 15 सेकेंड्स के बाद एम्पलीट्यूड जो रह जाता है अल्फा टाइम्स हो जाता है, अल्फा टाइम्स ऑफ ए नॉट हो जाता है। तो कहते हैं अल्फा का वैल्यू बताओ क्या होगा, समझ में आ रहा है बात। तो कैसे इसको डील कर सकते हैं, हमको पता है एक चीज़ कि एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है ए नॉट ई पे पावर माइनस में बी टी अपॉन 2m, ठीक है। और अगर इतना बड़ा लगता है लिखने में तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ से माइनस में कुछ लेमडा इंटू टी लिख देते हैं, है ना। लेमडा मान लेते हैं कि कुछ लेट कर लेते हैं, लेमडा इक्वल टू बी अपॉन 2m मान लेते हैं, मतलब ऐसे ही लिख दिए, ठीक है, बार बार कॉन्टेंशन ले उसको, ठीक है, ऐसे लिख दिए। तो सबसे पहले 5 सेकंड से बात करेंगे, तो 5 सेकंड पर कितना हो जाता है एम्पलीट्यूड 0.9, पहले देख लो कैसे कैसे बना रहे हैं, 5 सेकंड पर 0.9 टाइम्स ऑफ ए नॉट हो गया, ये हो गया ए नॉट ई पे पावर माइनस में लेमडा इन टू 5 सेकंड्स, तो ए नॉट से ए नॉट खत्म हो गया, तो यहाँ से आ रहा है 0.9 इक्वल टू ई पे पावर माइनस में 5 लेमडा, ठीक है। तो ये इसका एक इक्वेशन बन गया पहला। एक और इक्वेशन हम निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना, 15 सेकंड्स के बारे में। तो हमको लिख रहा है यहाँ से कि जो अल्फ़ा है ये अल्फ़ा ए नॉट हो जाएगा जबकि ए नॉट ई पे पावर माइनस में, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा, ये लिख देते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमको अल्फा इंटू ए नॉट इक्वल टू ए नॉट, डिवाइड नहीं किए हैं अभी ऐसे लिखे हैं, माइनस में 15 इंटू लेमडा, है ना, 15 लेमडा हो गया। और इसको हम ए नॉट से नॉट काट देंगे तो अल्फा इज इक्वल टू दिखेगा ई पे पावर माइनस में 15 इंटू लेमडा। एक काम करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को पकड़ के डिवाइड अगर हम कर दें तो कुछ बन सकता है इसमें कुछ रिलेशन। तो कैसे कैसे करें, इसको डिवाइड करते हैं ना, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2, तो क्या बनेगा हमको 0.9 अपॉन अल्फा इज गेटिंग एज ई पे पावर माइनस में 5 लेमडा अपॉन ई पे पावर माइनस में 15 लेमडा बन जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस वाला ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा यहाँ पर से, 0.9 अपॉन अल्फा इज गेटिंग एज ई पे पावर 15 लेमडा, प्लस में आ गया और माइनस में 5 लेमडा हो गया, बेसिकली हो गया ई पे पावर 10 लेमडा आ गया,
इज इट ओके, ये हो गया ई पावर 10 लेमडा। अच्छा 5 लेमडा का वैल्यू हमको पता है ना, कुछ कुछ तो आ रहा है यहाँ से। एक काम करते हैं, घुमा देते हैं इसको, ठीक है, देखना ध्यान से, हमको यहाँ माइनस दिख रहा है, यहाँ माइनस नहीं दिख रहा है ना, तो इसको घुमा देते हैं। तो अल्फ़ा अपॉन 0.9 का वैल्यू दिखेगा ई पावर माइनस में 10 लेमडा, ठीक है। और इसको ये जो इक्वेशन दिख रहा है हमको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम बात कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, 0.9 इक्वल टू ई पावर माइनस में 5 लेमडा दिख रहा है। अगर यहाँ पर इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरा काम बन जाएगा। तब स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं और इधर भी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 0.9 का होल स्क्वायर इक्वल टू ई पावर माइनस में 10 लेमडा। तो ये चीज़ मैच कर गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये और ये मैच कर गया, इसका मतलब यही हो गया कि अल्फ़ा अपॉन 0.9, अभी से जितना सवाल होगा हम हर बार ऐसे ही करेंगे, इसलिए टेक्निक सीख लो कैसे बनाना है। तो अल्फ़ा इक्वल टू गया 0.9 का होल क्यूब, तो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 99 81 81 इंटू 729, तो 0.729 के आसपास में आएगा इसका रिजल्ट, या सी नंबर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आ गया अल्फ़ा, समझ में आ गया बात। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, सिंपल था, हर बार अगला क्वेश्चन में भी ऐसे ही काम करेंगे, उसके अगले में भी ऐसे ही काम करेंगे, सीख लेंगे जब तक, ठीक। तो ये भी एकदम सेम उसी तरह का सवाल है जो अभी पीछे किए हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेटर बिकम्स 1/3 इन 2 सेकेंड्स। बेसिकली अगर हम ऑब्वियसली घट रहा है एम्पलीट्यूड तो घटना ही चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जब समय 0 था उस टाइम पर एम्पलीट्यूड इसका ए नॉट था, जब समय 2 सेकेंड हो जाता है तब इसका एम्पलीट्यूड जो भी था ओरिजिनल उसका 1/3 रह जाता है ना, 1/3 हो जाता है पूरा एम्पलीट्यूड का। और एम्पलीट्यूड जब 6 सेकेंड हो जाता है, आफ्टर 6 सेकेंड्स इट्स एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ए नॉट बाय एन हो गया, सेम, ठीक है, समझ आ ही चुका क्या करना है। हमको पता है कि एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू होता है ए नॉट ई पे पावर माइनस में, अभी सीखे थे लैम्डा इनटू टी कर सकते थे यहाँ पर, तो यहाँ से पहला इक्वेशन तो लिख सकते हैं ए नॉट बाय 3 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर ए नॉट ई पे पावर माइनस में लैम्डा इनटू टी के जगह पे 2 सेकेंड्स लिख देंगे, ये खत्म हो गया। तो 3 पे पावर माइनस में 1 इक्वल टू ई पे पावर माइनस में 2 लैम्डा आ रहा है ना। और सिमिलरली अगर हम यहाँ से देखेंगे कि n पर पावर माइनस 1 इक्वल टू ई पे पावर माइनस में 6 लेमडा आ जाएगा, है ना, तो ऐसे कुछ आ जाएगा यहाँ से। एक काम करते हैं, अगर हम इसको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, ऊपर में, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, देखो तो हो जाएगा ना, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, मतलब क्यूब कर दें इसको बेसिकली, है ना, तो क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पर पावर माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू ई पे पावर माइनस में 2 लेमडा का होल क्यूब कर देंगे, तो 3 पावर माइनस में 3 इक्वल टू पावर माइनस में 6 लेमडा हो गया। तो ये और ये हमारा मैच कर गया, जब ये और ये मैच कर गया तो ये और ये बराबर हो गया, तो एन पर पावर माइनस 1 इक्वल टू 3 पर पावर माइनस में 3 हो गया। तो एन पर पावर माइनस 1 इक्वल टू बेसिकली एन इक्वल टू जगह 3 पर पावर 3, तो एन इक्वल टू जगह 27, दैट्स योर रिजल्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ईजी था, सेम तरह से पिछले वाला भी ऐसे बनाए थे। तो ये सवाल दिख रहा है ना, इसमें क्या कह रहा है कि पार्टिकल परफॉर्मिंग डैम्प्ड ऑसिलेशन विद फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, आफ्टर एवरी 10 ऑसिलेशंस इट्स एम्पलीट्यूड बिकम्स हाफ, फाइंड टाइम फ्रॉम बिगिनिंग आफ्टर विच एम्पलीट्यूड बिकम्स 1/1000 ऑफ इट्स इनिशियल एम्पलीट्यूड। चलो कुछ चीज़ के ऊपर बात करते हैं। पहला बात तो यहाँ पर लिख रहा है फ्रीक्वेंसी इसका 5 हर्ट्ज, इसका मतलब टाइम पीरियड तो हम निकाल सकते हैं इसका, तो टाइम पीरियड क्या जाएगा इसका 1/frequency 1/5, दैट्स 0.2 सेकेंड्स। क्या कह रहा है कि आफ्टर एवरी 10 ऑसिलेशंस इट्स एम्पलीट्यूड बिकम्स हाफ, एम्पलीट्यूड हाफ हो रहा है, इसका मतलब इसका हाफ लाइफ टाइम हमको पता है। तो इसका हाफ लाइफ टाइम टी इक्वल टू कितना लिखा है, 10 ऑसिलेशन के बाद कितना समय लगेगा, तो एक ऑसिलेशन का समय हमको पता है 0.2 सेकेंड, तो 10 ऑसिलेशन का समय कितना हो गया, तो 0.2 × 10, तो बेसिकली 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड इसका हाफ लाइफ टाइम है। क्या इसका हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ, ये बात एकदम दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा, फिर समझ लो क्या लिखा है, आफ्टर एवरी
10 ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन होने में लग रहा है 0.2 सेकंड्स, है ना, टाइम पीरियड का पता है ना डिफिनेशन। खैर तो 10 ऑसिलेशन होने में इतना समय लगेगा, तो कह रहा है ये एम्पलीट्यूड आधा हो जाता है। आधा होने का मतलब क्या हो गया, हाफ लाइफ टाइम हो गया। और हमको पता है टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता था, याद है, एल एन टू अपॉन बी अपॉन टू एम, ये दे के रखा है इसने, है ना, ये इसने दे के रखा है। अब क्या कह रहे हैं, अच्छा इसी को तो हम कह देते हैं लेमडा वगैरह भी, है ना। तो बेसिकली ये एल एन टू अपॉन लेमडा का वैल्यू दे के रखा है इसने 2 सेकेंड्स, यहाँ से ये चीज़ हमको गिवन है, ठीक है। और कह रहा है कि कितने देर के बाद ये आफ्टर फाइंड द टाइम फ्रॉम, कितना देर के बाद 1/1000 हो जाएगा, यानी कि हमको पता है ए इक्वल टू हो गया ए नॉट ई पे पावर माइनस लेमडा इन टू टी। तो जो ए नॉट बाय थाउजेंड कितने समय में हो जाएगा, ए नॉट ई पे पावर माइनस में लेमडा इन टू टी, हमको ये निकालना है। ए नॉट से नॉट खत्म हो गया, तो ये हो गया 10^3 आ जाएगा नीचे में, तो 10^-3 हो गया, ई पे पावर माइनस में लेमडा इन टू टी हो गया। और यहाँ से जो हमको लिख रहा है, हमको लॉन वगैरह कुछ लगाना होगा ना पड़ेगा, है ना जी। तो ठीक है, दोनों साइड हम ले लेते हैं लॉग, तो माइनस में 3 लॉन 10 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में लेमडा टी इंटू लॉन ई, है ना, दोनों साइड लॉग ले लिए, तो लॉन ई का वैल्यू हम लोग सीखे 1 हो जाता है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 3 लॉन 10 इज इक्वल टू लेमडा टी, ठीक है। और लेमडा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं एल एन 2/2, है ना। तो क्या क्या आ रहा है यहाँ से, 3 लॉन 10 इज इक्वल टू लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल एन 2/2 इंटू स्मॉल टी, तो कितना हो गया 6 लॉन 10 अपॉन लॉन 2 इज इक्वल टू स्मॉल टी। और लॉन 10 का वैल्यू हम जानते हैं कि 1 हो जाता है, और लॉन 2 का वैल्यू जानते हैं 0.693 हो गया इज इक्वल टू टी, ठीक है, लॉन 2 का वैल्यू इतना होता है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो टाइम का वैल्यू आ जाएगा 20 सेकेंड्स के आसपास में, ठीक है। तो ये हमारा इसका रिजल्ट हो जाएगा, आई होप हम सही हैं, एक सेकेंड देख लेते हैं क्या, 6/2, ठीक है। तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत है फिर से देखो, ये बहुत अच्छा ये सवाल आ चुका है, जेईई मेन का है, 2019 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सवाल क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी देकर रखा है उसने, कह रहा है उसका टाइम पीरियड समझ में आ चुका होगा। ये अच्छा सवाल था, मतलब लिटरली अच्छा सवाल था, बहुत कुछ डाल दिया है इसने। 10 ऑसिलेशन होने के बाद इसका हाफ लाइफ टाइम भी देकर रखा है इसने, ठीक है। अब जिसको ये नहीं समझ में आया, तो भाई हाफ लाइफ टाइम ऑलरेडी निकाल सकते हैं ना हम लोग, वो ए नॉट बाय टू करके ए नॉट ई पे पावर माइनस लेमडा इन टू टी, ए नॉट इसे नॉट काट लोगे 2^-1 आ जाएगा, और यहाँ से जाएगा ई पे पावर माइनस लेमडा इन टू टी, कितना समय लगा है, टाइम का वैल्यू देकर रखा है उसने 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास एल एन टू इक्वल टू 2 लेमडा इन टू एल एन ई, सिंपल है ना यहाँ से। तो एल एन 2 इक्वल टू 2 लेमडा हो गया, तो लेमडा इक्वल टू एल एन 2/2 आ गया यहाँ से। हम यहाँ से भी निकाल सकते थे लेमडा का वैल्यू, इवन हमको हम तो इतना तो होशियार हो ही चुके हैं कि ये बात समझ सके कि एम्पलीट्यूड आधा हो रहा है, तो हम सीधे भी लिख सकते थे, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हो। एंड हमको ये रिजल्ट हमको पता है, बोल रहा है एम्पलीट्यूड आधा 1/1000 हो जाएगा, तो निकाल लिए ये रिजल्ट, समझ में आ चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हम लोग जान चुके हैं कि ये क्वेश्चन हमारा डैम्प ऑसिलेशन है ना, अभी हम लोगों ने देखा था ना एक्स इक्वल टू क्या था, ए नॉट ई पे पावर माइनस में बी टी अपॉन 2m, और यहाँ था साइन ओमेगा डैश टी प्लस में फाई, कुछ इसी तरह का रिजल्ट यहाँ पर भी आ रहा है, बस यहाँ पर साइन के जगह पे कॉस में दिख रहा है, ओमेगा डैश की जगह पर 10π दिख रहा है, बाकी ये चीज़ जो है बी बाय 2m के जगह पर दिख रहा है, यानी कि बेसिकली लेमडा दिख रहा है, और एम्पलीट्यूड इसका ए नॉट का वैल्यू 1 दिख रहा है, यानी बेसिकली यहाँ पर से जो हमको गिवन दिख रहा है ए नॉट का वैल्यू 1, है ना, और बी अपॉन 2m जो है वो हमारा 0.1 दिख रहा है, बाकी ओमेगा डैश भी दिख रहा है हमको यहाँ से, ओमेगा डैश का वैल्यू 10π t दिख रहा है। तो हम यहाँ से बहुत सारा रिजल्ट गेन कर सकते हैं ना, अगर हमको पूछेगा कि भाई फ्रीक्वेंसी बता दो, तो फ्रीक्वेंसी क्या जाएगा 1/2π, यही है ना बेसिकली, टी नहीं ये 10π हो गया, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल 2π f होता है ना, अरे ओमेगा इज इक्वल टू 2π f हो गया f डैश, तो पाई से पाई खत्म हो गया, 2 से
फाइव खत्म हो गया, तो एफ डैश का वैल्यू हो गया 500, सीधा सीधी है ना। और टाइम पीरियड हो गया हमारे पास 1/5 इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स, हम ये निकाल सकते थे, ठीक है। और भी बहुत कुछ निकाल सकते हैं, कुछ और कमाल का चीज़ नहीं, ठीक है। हमको पूछ क्या कह रहा है इसने, एवरेज लाइफ बताओ और हाफ लाइफ ऑफ एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी बता दो। तो ठीक है, पता है हमको, सबको पता है कुछ है इसमें। तो अगर हम बात करें पहले तो एवरेज लाइफ के बारे में ना, एवरेज लाइफ ऑफ एम्पलीट्यूड के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर दें यहाँ से, क्या कर देते हैं है ना, पॉज करके पीछे रिवाइंड करके लिख लेना, अगर लिखा जरूरत नहीं था। खैर, एवरेज लाइफ ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू क्या था, 1/b/2m, ये ना फॉर्मूला था, तो यही ना b/2m है, तो ये आ जाए 1/0.1 बेसिकली 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में ये पूरा एम्पलीट्यूड खत्म हो जाएगा ना। हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, 5 सेकेंड, देखते हैं। हाफ लाइफ ऑफ एम्पलीट्यूड क्या आना चाहिए, टाइम का वैल्यू ln2/b/2m था, याद है। ln2 का वैल्यू क्या था, 0.693, और b/2m का वैल्यू दिख रहा है 0.1। बेसिकली ये पॉइंट अगर उड़ा देंगे 10 आ जाएगा, यानी 6.93 अप्रोक्सीमेटली 7 सेकेंड्स लगेंगे इसको ख़त्म होने में, मतलब आधा होने, सॉरी ख़त्म होने में 10 सेकेंड, और 7 सेकेंड उसको लगा आधा होने में। एक्सपोनेंशियली डिक्रीमेंट है, डायरेक्ट नहीं है, समझ लेना बात को, ठीक है। यानी मतलब आधा, मतलब 5 सेकेंड बस खुश पार्टी मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एवरेज लाइफ ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कंप्लीट डिस्ट्रॉय होने में कितना समय लगा है। तो उसका एवरेज क्या था, 1/b/m था, ठीक है। और हमको यहाँ से b/2m का वैल्यू दे के रखा है इसने, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं b/2m का वैल्यू अगर 0.1 है तो b/m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, है ना। दो इधर से मल्टीप्लाई हो गया, तो b/m के जगह पे क्या लिखेंगे, 1/0.2, तो पॉइंट उठ गया ऊपर में चला गया 10, तो यहाँ से आ गया 5 सेकेंड्स। यानी कि जितना भी एवरेज है लाइफ एम्पलीट्यूड का, ख़त्म होने में 10 सेकेंड लगा है, जबकि एनर्जी 5 ही सेकेंड में पूरा ख़त्म हो चुका है। और इसका हाफ जो आ जाएगा तो इसका भी आधा हो जाएगा, लगभग 3.5 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये उसका रिजल्ट है, सिंपल सवाल था, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सवाल एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं लास्ट में, उसके बाद दो क्वेश्चन और देखेंगे, थोड़े अच्छे क्वेश्चन जब पूछे जा चुके हैं। और अब देखो किस तरह से ट्रेंड चेंज हुआ है जेई मेन वगैरह का, तो वो भी देखना है थोड़ा, है ना। बोर्ड भी देखो कैसे ख़राब हो रहा है मेरा, ठीक है। अ पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम इज मेकिंग एस एच एम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट के इक्वल टू 90 न्यूटन पर मीटर जो है, एंड अ डैम्पिंग कॉन्स्टेंट बी इक्वल टू 40 ग्राम पर सेकेंड लिखा हुआ है वहाँ पर। कैलकुलेट द टाइम इलेप्स्ड फॉर द एम्पलीट्यूड टू ड्रॉप द हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो जो कि टॉपिक के नीचे में लिखा हुआ था, हम उसी को सीधा करेक्ट कर लिए हैं। तो चलो इसको देख लेते हैं। तो एक पार्टिकल का मास दिया हुआ है, एम का वैल्यू देख रखा है 200 ग्राम, ठीक है। और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के का वैल्यू देकर रखा है 90 न्यूटन पर मीटर, और डैम्पिंग कॉन्स्टेंट बी का वैल्यू देकर रखा है 40 ग्राम पर सेकेंड। और कितने देर के बाद एम्पलीट्यूड आधा हो जाता है, लो हाफ लाइफ टाइम का सवाल है। तो हाफ लाइफ टाइम का सवाल क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln2/b/2m, ये ना पढ़े थे। और ln2 का वैल्यू क्या था, 0.693, है ना, अब तक तो याद हो गया होगा। बी दिख रहा है हमको 40/2m, और मास दिख रहा है 200, ये सब ग्राम में ही था इसलिए इसको काट देते हैं, तो 5 हो गया, बेसिकली हो गया 6.93, लगभग 7 सेकेंड्स में पूरा का पूरा टाइम, मतलब आधा होने में इतना समय लगा है। अच्छा, यहीं पर हम पूछ लें एवरेज लाइफ टाइम बता दूँ, तो टाउ क्या हो जाएगा, टाउ का वैल्यू तो 1/b/2m हो जाएगा, तो बेसिकली 2m/b हो जाएगा, तो 2 × मास की जगह पे 200/b की जगह 40, तो 10 सेकेंड्स में ये कंप्लीट इसका ख़त्म हो जाएगा।
और अगर हम इसलिए पूछें कि एनर्जी कब आधा हो जाएगा, तो है ना टी ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा, जस्ट इसका आधा 7/2। हम अब इतना तो कैलकुलेट नहीं करना है हमको, तुम लोग देख लेना इतना सेकंड्स में आता ही है ना, क्योंकि बी अपॉन 2m है यहाँ पर, वहाँ पर 2m नहीं है, वहाँ पर बी अपॉन m है, तो आधा ही रह जाएगा सिर्फ। और टाउ कितना आ जाएगा है ना, टाउ ऑफ एनर्जी अगर हम पूछ लें तो इसका आधा भी हो जाएगा बेसिकली 10/2 5 सेकेंड्स। तो साफ समझ में आ चुका है कि कैसे एम्पलीट्यूड, ये सब बच्चा वाला खेल हो गया हम लोग के लिए है ना। उम्मीद करते हैं सारा सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का जो दो सवाल है, वो दोनों सवाल समझने के लिए थोड़ा ट्वेल्थ का टॉपिक का दिमाग में होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग बात करेंगे इंडक्टर, रेसिस्टर और कैपेसिटर के ऊपर। चलो देखते हैं, ठीक है, और जिनको देखना है देखो, मजे लो और फिर घूम फिर करके आना ट्वेल्थ पास करने के बीच में, कैसे डैम्पिंग वहाँ पर भी करते हैं, ठीक है। तो नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बहुत बड़ा, बस कॉपी में रहना चाहिए कि कैसे कैसे चीज़ें काम हो रही है, और देखो कि कहाँ का चीज़ कहाँ कैसे यूज़ किया जा रहा है, एक चीज़ कहाँ का निकाल करें कहाँ से कैसे जेई यूज़ कर रहा है, तो थोड़ा उसको भी समझना चाहिए, वो भी ट्रेंड समझना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि मतलब इस चैप्टर का चीज़ है तो यही क्वेश्चन पूछेगा, वहाँ से नहीं पूछ सकता, तो इधर का उधर किया जा रहा है, अब तो वो करने आना चाहिए, ठीक है। चलो पहले यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, आगे दो क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं स्क्रीन पर दिख गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो ठीक है, सवाल क्या कह रहा था, कह रहा है कि एक LCR सर्किट है, एक L है और एक कैपेसिटर है और एक रेसिस्टर है, और हमने एक सर्किट को चार्ज करके छोड़ दिया हुआ है, L है, C है, R है। तो जो डैम्पिंग इक्वेशन है, इवन यहाँ पर जो डैम्पिंग होगा यहाँ पर इस डैम्पिंग को कहते, क्योंकि LC सर्किट होता ये कंटिन्यू चलते रहता, फ्री ऑसिलेशन करते रहता, एनर्जी का ट्रांसफर इधर से इधर होते रहता, लेकिन आर है इसलिए यहाँ पर ये एनर्जी को कंज्यूम करता जाएगा, ये डैम्पिंग का काम करेगा यहाँ पर आर, ठीक है। तो डैम्पिंग कांस्टेंट कहते रहे हम बात होगा, तो यहाँ पर बात होगी इलेक्ट्रिकल डैम्पिंग का, और कह रहे कि इलेक्ट्रिकल डैम्पिंग में जो जो चीज़ें आ रही है उसका कोरिलेट करो मैकेनिकल डैम्पिंग से, कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे कोरिलेट हो रही हैं, ठीक है। चलो हम पहले लिखते हैं मैकेनिकल डैम्पिंग का इक्वेशन। तो मैकेनिकल डैम्पिंग क्या था, मैकेनिकल डैम्पिंग इक्वेशन तो क्या था कि एम ए जो है वो हमारा माइनस में के एक्स है और माइनस में वी के बराबर है, तो एम इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर आ रहा है, अब प्लस में बी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी आ रहा है, और प्लस में के एक्स इक्वल टू जीरो, ये मैकेनिकल डैम्पिंग का डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर इलेक्ट्रिकल डैम्पिंग के बारे में बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल डैम्पिंग की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डैम्पिंग में हम यहाँ पर पहले किरचॉफ लॉ लगाते हैं, क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ। तो क्या बोलते हैं भाई, नेट वोल्टेज जो होगा वो हमारा एक लूप में ओवर द लूप इक्वल टू जीरो होता है, तो इस ये क्या करेगा, तो इसका लूप क्या हो जाएगा, माइनस में एल डी आई बाई डी टी है ना, ये कितना कंज्यूम करता है ये हम लोग जानते हैं, और ये कितना करता है, क्यू अपॉन सी करता है, और ये हो जाता है आई इंटू आर इक्वल टू जीरो है ना, नेट लूप में कंज्यूम हो गया। अगर हम इस सारा निगेटिव वगेटिव उड़ा उड़ा दें तो यहाँ से क्या जाएगा, एल डी आई अपॉन डी टी प्लस में क्यू अपॉन सी प्लस में आई इंटू आर इक्वल टू जीरो, और थोड़ा सा अगर हम आई को लिख सकते हैं डी क्यू आई डी टी होता है ना, आई इक्वल टू हमको पता है डी क्यू अपॉन डी टी भी होता है, तो ये बेसिकली यहाँ से हो जाएगा एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी का स्क्वायर है ना, और प्लस में आई की जगह पे हुई आर इंटू डी क्यू अपॉन डी टी, अब प्लस में क्यू अपॉन सी इक्वल टू जीरो हो गया, तो ये कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल डैम्पिंग, ये हो गया मैकेनिकल डैम्पिंग, कर दोनों में चेक करो कि कौन सा चीज़ कैसे कैसे कोरिलेट हो रहा है। तो हम यहाँ कहेंगे कि एम जो है वो एल के जगह पे दिख रहा है हमको है ना, और आर जो है वो बी के जगह पे दिख रहा है, और के जगह पे हमको 1/C दिख रहा है, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। कह रहा था कि मतलब इससे बस सभी को रिलेट करो कि कैसे कैसे चीज़ें काम कर रही होंगी, समझ में आया, ठीक है। बस यही था क्वेश्चन जो कि पूछा गया था, इसी साल 2020 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
उम्मीद करते हैं क्वेश्चन दिख गया होगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेल है इस तरह से बना हुआ, और ऐसा सवाल हम लोग लगाते थे, बीएल भी बनता था, वोल्टेज यहाँ पर करंट वगैरह फोर्स लगता था, आईएलबी वगैरह, ठीक है। तो उसी तरह का कंडीशन है यहाँ पर कि एक रेल है इस तरह से लगा हुआ और उसमें एक स्प्रिंग यहाँ से लगा दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पास किया गया है। तो इस रेल के और रेल को जैसे था यहाँ पर एक मेटालिक स्ट्रिप लगा हुआ है जिसको थोड़ा सा ऐसे पुश करके छोड़ दिया गया। जब पुश करके छोड़ेगा तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, और जब इसमें मोशन आएगा उसके चक्कर में यहाँ पर वोल्टेज जनरेट होगा, और वोल्टेज जनरेट होगा तो करंट पास करेगा, करंट पास करेगा तो उसे फोर्स लग जाएगा। जो फोर्स लगेगा वो यहाँ पर फोर्स मिल गया आई एल बी हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एफ जो होगा वो इस बॉडी को एक्सेलरेट करवाएगा, और फोर्स लगेगा तो पहले के एक्स लगेगा और एक और लगेगा आई एल बी जो कि इसको एक्सेलरेट करवा देगा। तो इस चक्कर में ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हुए करते हुए करते हुए रुक गया। तो पूछ रहा है कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन पॉसिबल है यहाँ पर, हमको ये जानना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस में के एक्स, माइनस में आई की जगह पर क्या लिखते हैं वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस इंटू एल इंटू बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। तो माइनस में के एक्स माइनस में वोल्टेज कितना बनता था, याद है बी एल बी बनता था अपॉन आर एल इंटू बी इक्वल टू एम ए। तो माइनस में के एक्स माइनस में बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन आर हो जाएगा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये जो चीज़ है थोड़ा ध्यान से, तो ये हमारा डैम्पिंग कॉन्स्टेंट हो गया है ना, ये हो गया माइनस में के एक्स माइनस बी भी इक्वल टू एम ए। तो ये जो है हमारा ये डैम्पिंग कॉन्स्टेंट दिख रहा है यहाँ से, डैम्पिंग कॉन्स्टेंट बी इक्वल टू हमको दिख रहा है बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर, जिसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो बी का वैल्यू बी स्क्वायर का सब कुछ सारा डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, पढ़ सकते हो यहाँ से 0.1 इंटू 0.1 इंटू एल स्क्वायर, एल इस 10 सेंटीमीटर दिख रहा है हमको, तो 10 अपॉन 100 इंटू 10 अपॉन 100, और अपॉन आर का वैल्यू दिख रहा है 10 ओम। पॉइंट उड़ा देंगे यहाँ से भी 10 आ जाएगा, यहाँ से भी 10 आ जाएगा, कितना सारा 10 हो गया, टन हो गया इसका। तो बेसिकली आ गया 1 2 3 4 5, बी का वैल्यू इतना आ रहा है। अब हमको यहाँ से भी निकालना है, कह रहा है कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन पॉसिबल है, तो हमको ये जानना पड़ेगा कितना देर के बाद इसका पूरा एम्पलीट्यूड खत्म हो जाता है। तो वो समय निकाल लेते हैं पहले, तब फिर हम आगे सोचते हैं क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो हम इसका टाउ निकालते हैं, बेसिकली ये क्या हो जाएगा एवरेज लाइफ ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा 1/b/2m हो जाता है, तो बेसिकली हो जाएगा 2m/b हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू मास के जगह पे दिख रहा है 50 ग्राम अपॉन बी है, तो अपॉन बी है तो क्या हो जाएगा 1/50, और ये 50 ग्राम है तो 1000 से नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा, 30 तो ऐसे ख़त्म हो गया, और 5 2 10 20 और फिर 20, तो बेसिकली हो गया 10,000। तो कह रहे इतना सेकेंड्स के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ऑसिलेशन ख़त्म हो जाएगा। हमको ये चेक करना है कि इसका टाइम पीरियड कितना है, एक बार हम टाइम पीरियड भी निकाल लेते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होता है, फॉर्मूला 2π √m/kb होता है, तो 2π √ मास की जगह पे क्या लिख सकते हैं 50 ग्राम इंटू के की जगह पे क्या लिख सकते हैं 0.5 यानी कि 5/10, 20 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और 5 से 5 भी ख़त्म हो गया, तो बेसिकली हो गया 2π/√10, ठीक है। तो √10 का वैल्यू 3.36 होता है, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो लगभग हम उसको काट सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं इसको 2 सेकेंड्स आ रहा है इसका टाइम पीरियड। तो यानी कि 2 सेकेंड में एक बार ओसिलेट करता है, और हमको पता है कि टोटल टाइम लग रहा है 10,000 सेकेंड्स, तो कितना बार ये ओसिलेट कर रहा होगा, तो इतना बार इतना कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या बनेगा, एन जो कि ये पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा टोटल टाइम ऑफ एवरेज लाइफ बाय टोटल टाइम पीरियड। एवरेज लाइफ क्या हो गया 10,000/2, बेसिकली 5,000 आंसर। समझ में आ गया बात, सिंपल था सवाल, आसान सवाल नहीं था क्योंकि ये कहीं का चीज़ कहीं लगा रहा है और ये हो रहा है। तो थोड़ा अब प्रिपेयर हो जाना है भाई जेई मेन के लिए तैयारी करने के लिए, तो अच्छे से लगाओ। और अगला वीडियो आने वाला है फोर्स्ड ऑसिलेशन और रेजोनेंस पर, देखना है अच्छे से और अच्छे से नोट्स बनाओ, है ना। जितना सारा क्वेश्चन अभी बताए ये सारे क्वेश्चन को भी बनाओ, और
एनालाइज भी करना है, खोजना है कैसे कैसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। हमको जितना क्वेश्चन मिला अभी तक, जितना डेप्थ ऑसिलेशन पे हम खोजे, हम सारे लगा दिए। अब मिलते हैं ठीक है अगले वीडियो के साथ में, फोर्स्ड एंड रेजोनेंस के साथ में अगला वीडियो आ जाएगा ठीक है जल्दी। ठीक है तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, है ना, घर से बाहर नहीं जाना है।